जिस पल में नजर तू ना आए, कर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए। या नवनीत के साथ काम करना अपने आप में एक पहली बार काम कर रही थी, उसके पहले श्रुति ने काम किया था, श्रुति ने, तो वो तो कमाल की मजीदी कलाकार हैं, क्या डिफरेंस लगता है? जी डिफरेंस बस यही है कि नहीं है, मुझे लगता है कि नवनीत भी बहुत मेहनती है, श्रुति भी बहुत मेहनती थी, बट आई थिंक सी दिस स्टोरी विच वैभव स्क्रिप्टेड रिक्वायर्ड वेरी फ्रेश फेसेस एंड आई थिंक नवनीत रियली फिट द बिल। वेल मेरा नाम तो जानते हैं आप नवनीत, मेरी पहली पिक्चर लवशुदा रही है एंड इससे पहले मैंने मिस इंडिया 2013 विनर रह चुकी हूँ एंड मैं उसी के कारण आज यहाँ पे हूँ। थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू मिस्टर विनीत जैन हु इज़ द एमडी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड मिस इंडिया नहीं होता तो आज लवशुदा में मैं नहीं होती। मैंने अपने करियर की शुरुआत भी टिप्स के साथ की थी, आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरी पहली फिल्म बस एक पल, मेरा पहला गाना तेरे बिन टिप्स के साथ था और उस वक्त मैंने दो तीन धुनों पे काम किया था, उसमें से एक तेरे बिन था, एक कुछ इस तरह था, वो भी बहुत मशहूर हुआ उसके बाद और बस वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। देन आई गॉट बिजी विद माई अदर फिल्म्स। पिछले साल मुझे गिरीश का कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा कि मिथुन तुमने उस वक्त एक मेलेडी पे काम किया था और तेरी बिन के टाइम की वो जो वो गाना उस वक्त का है, तो ये धुन 10 साल पुरानी है। बिल्कुल, पीने की तमन्ना, यू लॉस्ट योर वॉइस, तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई फनी इंसिडेंट, कोई क्रेज इंसिडेंट हुआ था इस मूवी के दौरान? आई मीन आफ्टर लूजिंग हिज वॉइस वी हैड टू शूट अ 3-पेज मोनोलॉग विद हिम एंड दैट वाज नाइटमेयर, मतलब एकदम फ्लैट वॉइस में डायलॉग बोला इसने 3 पेज का, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। या आई वाज मेरा टेंशन तो ये था अगर चलो मैं उधर कर भी दूँ तो मैं सिंक कैसे करूँगा क्योंकि आवाज़ ही नहीं है, तो सिंक भी कैसे करूँगा। बट आई थिंक देयर वाज सम ऑलमाइटी मैजिक और सम फोर्स दैट वाज विथ मी एंड माय वॉइस वाज जस्ट इनफ टू डू दैट सीन, बेयरली ऑडिबल बट या जस्ट इनफ। सर टैलेंट जरूरी है बिकॉज एक्टिंग एक टोटली अलग फील्ड है एज कम्पेयर टू ब्यूटी पेजेंट्स और रैंप वॉक, सो टैलेंट जरूरी है। मुझे लगता है मैं तो बॉर्न एक्ट्रेस थी With, so, हाँ मेरे पापा यहाँ पे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि मैं कितनी बॉर्न एक्ट्रेस थी, बट या देर आर टू डिफरेंट लाइन्स। जो प्लॉट है, जो कहानी है मूवी की, कहीं ना कहीं ये जाके हमें हैंगओवर या बॉलीवुड की एक मूवी आई थी एक मैं और एक तू, कहीं ना कहीं वो हमें इस बात की याद दिलाते, मतलब एक बैचलर पार्टी वेयर ही गॉट वेयर द गाय गॉट ड्रंक एंड ही एंड अप डूइंग समथिंग लाइक गेटिंग हिच, यू नो। So what do you want to say about this resemblance? हाँ, आपकी शादी हुई है? No. आप किसी बैचलर पार्टी पे गए हो? No. यार तो आप यार कैसे है, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने। यार कितने लोग बैचलर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सुबह को उठते हैं, उनको यार हैंगओवर होता है, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि यार वो पिक्चर कॉपी है हमारी। इट्स अ वेरी रियल थिंग आई थिंक, इफ यू रियली दैट्स जस्ट अ लेयर, इट्स नॉट द फिल्म एंड टू जस्ट जनरलाइज इट लाइक दैट इज नॉट रियली फेयर, बट आई व्हेन पीपल गेट टू सी द फिल्म दे विल रियलाइज दैट ओके यार ये पिक्चर में और भी है। That just might be one layer of it, but as an onion, there's many layers to this film. इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट, ये हमारी एक लाइन है, तो मतलब हिम्मत चाहिए लाइफ जीने के लिए और अगर आप हिम्मत है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आई थिंक ये एक मैसेज है तो हम इस पिक्चर से देना चाहते हैं। क्या ब्रीफ आपने मिथुन सर को दिया था कि किस तरह का म्यूजिक बनाना है और आपने क्या ब्रीफ उनसे लिया था? मैंने तो उनको बस कहानी का एक हिस्सा बताया था और मैंने बोला था कि ये पार्टिंग सॉन्ग है और फिर इनने ही मतलब ही मैजिशियन ही जस्ट क्रिएटेड दिस थिंग एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज जैसे उन्होंने मुझे मेल के पे पूरा ब्रीफ दिया था। आई थिंक वे बहुत मेटिकुलसली काम करते हैं, हर चीज़ बहुत तरीके से आया और मुझे यही जैसे सईद कादरी साहब ने बताया कि मोहब्बत में हमेशा वो इनसिक्योरिटी से हम सब उसके शिकार होते हैं कि कब पता नहीं लोग बार बार टच वुड करते हैं
इसी बात से कि वो जो खुशी है, वो जो सेलिब्रेशन है, वो खत्म ना हो जाए। इसलिए काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर ना तू आए, घर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए। तुझसे जुदा होने का तसव्वुर एक गुना सा लगता है, जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले ये, तो रात की नींद उड़ जाए तो मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए।